नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। खबर पीलीभीत से। पीलीभीत थाना बेलसंडा का मामला। ग्राम करेली थाना बेलसंडा बीसलपुर ग्राम कल्याणपुर करेली बाबा जयराम पुजारी स्थित देवी मंदिर पर रहते हैं। 21 अक्टूबर 2020 की शाम 9 बजे ग्राम का अरविंद कुमार पिता का नाम बलवीर मंदिर पर हाथ में तमंचा लेकर मंदिर पर आया और उस समय गांव की औरतें माता रानी के छंद गा रही थी। उस दबंग को हाथ में तमंचा देखकर औरतों में भगदड़ मच गई। मंदिर पर बाबा जी के साथ गांव के सियाराम वर्मा भी मंदिर पर थे। उन्होंने बाबा जी को अरविंद को गाली देते देखा। जयराम पुजारी लगड़े बाबा का कहना है कि पुलिस प्रशासन गुंडों से पैसा लेकर छोड़ देती है, आए दिन संत महात्मा सताए जाते हैं। ऐसे में बेलसंडा थाना पुलिस की सुस्ती नजर आ रही है। देखते हैं एसपी साहब पीलीभीत बेलसंडा थाना पुलिस पर क्या कार्रवाई करने के आदेश देते हैं, इस दबंग पर क्या कार्रवाई होती है या नहीं। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, छत्रपाल भोजवाल की रिपोर्ट। तीन दिन से लगातार हमारा नवदुर्गा व्रत चल रहा है आज तक, और वो तीन दिन से लगातार आ रहा है, तमंचा लेकर गाड़ी देता है, शराब पीकर कहता है बाबा तुझे मार देंगे। वहाँ पर ये सियाराम भी थे, इन्होंने भी देखा है इसके पास तमंचा है, और औरतें ढोलक माता जी के छंद गा रही थी, उन्होंने भी देखा कि ये तमंचा लेकर आया बाबा जी के लिए। क्या नाम है उसका? अरविंद। क्या करने आता है वो? झगड़ा करने आता है कि बाबा मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तमंचा दिखाता है, कहता है कि गोली मार देंगे। चौकी पे गए? हाँ, चौकी पर भी गए। कोई नहीं गया पुलिस वाला? कोई पुलिस नहीं गई। उसके बाद में इनके ऊपर कई बार कार्रवाई कर चुके हैं, पुलिस पैसा ले लेती है और उन दबंगों का हिसाब देती है। क्या नाम है तुम्हारा? जयराम पुजारी। कहाँ के रहने वाले? दुर्गा माता मंदिर कल्याणपुर पोस्ट करेली थाना बेलसंडा जिला पीलीभीत। ठीक है।